अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी बजिया और आज मैं अपने किचन में बना रही हूं मिक्स सब्ज़ी। आजकल सर्दियां हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी आई हुई है। तो जनाब ये मैंने एक जो है बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसको इस तरह क्यूब में काटा है। गाजर है, ये भी एक छोटे साइज़ की गाजर थी। ये एक शिमला मिर्च है, इसको भी इस तरह काट लिया। और ये आधी जो है फूल गोभी। तो मैं इन सब्ज़ियों को हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये मैंने सारी सब्ज़ियाँ फ्राई कर ली हैं, अब हम जाएँ बाकी का मसाला तैयार करने है जिसमें सब्ज़ियाँ फ्राई की थी। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और ये 4-5-6 के करीब जो है कड़ी पत्ता है, पहले हम ये डाल देंगे। ज़ीरा चटक गया है, ये चॉप किया हुआ लहसुन है, ये 3 मैंने जवे लिए थे, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ये लहसुन फ्राई हो गया, अब ये हरी मिर्चें और चॉप की हुई प्याज डाल रही हूँ मैं। ये 2 हरी मिर्चें हैं और 1 दरमियाने साइज की प्याज। ये प्याज भी फ्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं किया है। अब ये एक बड़ा साइज़ का टमाटर था जैसे मैंने बिल्कुल बारीक जो है चॉप कर लिया है, पीसा नहीं है ऐसे बारीक, इसे डाल देंगे अब हम। ये टमाटर भुन गए हैं, काफ़ी हद तक भुन गए हैं, बाकी जो ये मसाला मैं डालूंगी तो उसके साथ भुन जाएंगे। ये मैंने 1 टीस्पून जो है कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून ही मिर्चें लिए हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और ये नमक है उससे ज़्यादा। ये मैं दही डाल रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा ही लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब। और फिर मैं जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे ताकि ये फटे नहीं। ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तैयार है ये। अब इसमें हम सब्जियां डाल रहे हैं जो हमने फ्राई करके रखी हैं। ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, अब इसे आखिर में जो है मैं ये क्रीम डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ी सी क्रीम 2 टेबल स्पून के करीब, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम सब्ज़ी को जो है दम पे छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए, बस ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे वरना क्रीम फट जाएगी। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चलें जनाब, हमारी ये क्रीमी मिक्स सब्ज़ी तैयार है और ये बहुत मज़े की बनी है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जनाब, अगर पसंद आए तो इसको जो है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पहली दफ़ा हैं, नए हैं, तो फिर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें, अपनी बजिया को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।